हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं आपका ट्यूटर ब्रिजेश। 15वां सम, चलिए देखते हैं 15 सम किस तरह करना है। सो 15 सम दो मार्क के लिए ये रहा आपके सामने। फाइंड द वैल्यू ऑफ पी फॉर विच वन रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 6 टाइम्स द अदर। फाइंड द वैल्यू ऑफ पी, वन रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 6 टाइम्स द अदर। देखो हमको क्या दिया हुआ है, वन रूट मतलब अल्फा इज 6 टाइम्स द अदर, समझो बात, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ पी, अल्फा मतलब क्या होता है, अल्फा बीटा रूट्स होते हैं, जीरोस जो बोलते हैं ना, आपने पॉलीनोमियल चैप्टर में सीखा होगा। सो दोनों जीरोस मतलब दोनों रूट्स क्या है, एक दूसरे के रिलेशनशिप में है, वेयर अल्फा इज इक्वल टू 6 बीटा, ठीक है। अब हमको पी का वैल्यू निकालना है। सो ये दिया हुआ रिलेशनशिप, हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये दिया हुआ, तो लिखेंगे हम लोग गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज पी एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 8 इक्वल टू 0, ठीक है। सो इसको कंपेयरिंग विद स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। सो अपना ए का वैल्यू है पी, बी का वैल्यू है अपना माइनस 14 और सी का वैल्यू है 8, ठीक है। सो देयरफॉर सम ऑफ रूट, सम ऑफ जीरोस कितना, अल्फा प्लस बीटा कितना होगा, माइनस बी अपॉन ए। सो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इज 6 बीटा, तो अल्फा की जगह लिखेंगे 6 बीटा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी, व्हाट इज बी, माइनस 14, तो ये माइनस 14 अंदर, अपॉन ए, व्हाट इज ए, पी, देयरफॉर 7 बीटा इक्वल टू 14 अपॉन पी, समझ में आ रहा है। सो देयरफॉर व्हाट इज पी, पी इज 14 अपॉन 7 बीटा, दिस इज इक्वल टू 2 अपॉन बीटा। सो पी का वैल्यू क्या है, 2 अपॉन बीटा, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 इसका यूज करेंगे हम लोग, टेंशन मत लो। अभी प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा, व्हाट इज अल्फा इंटू बीटा, सी अपॉन ए, व्हाट इज सी अपॉन ए, पहले तो अल्फा इंटू बीटा के में हम अल्फा के जगह पे 6 बीटा लिखेंगे इंटू बीटा इक्वल टू व्हाट इज सी, कहाँ है सी, 8, 8 अपॉन व्हाट इज ए, पी, ये पी लिख दिया हम लोग ने, समझ में आ रहा है। तो इट इज 6 बी स्क्वायर इक्वल टू 8 अपॉन पी, ठीक है। सो एक काम करते हैं, यहां से हम लोग बीटा का वैल्यू निकालते हैं, तो 2 अपॉन पी हो जाएगा। सो देयरफॉर 6 इंटू 2 अपॉन पी का होल स्क्वायर इक्वल टू 8 अपॉन पी, आ रहा है समझ में, 6 इंटू 4 अपॉन पी स्क्वायर इक्वल टू 8 अपॉन पी। सो दिस इज इक्वल टू 6 इंटू 4 अपॉन 8 इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन पी, सिंपल मैथ्स है, ये कैंसिल हो गया। सो देयरफॉर हमारे पास बचता है 4 टू सा 2 3 सा, सो देयरफॉर 3 इक्वल टू पी, और अपने पास पी का वैल्यू आ गया 3, समझ में आया, ठीक है दोस्तों। तो आपको पी का वैल्यू कितना आ गया, 3। लेकिन आप अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें ना, तो वहां पे आपसे क्या एक्सपेक्ट करते मालूम है, आपसे एक्सपेक्ट करते, देखो इसके आगे का स्टेप बता रहा हूँ, इसके बाद आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे करना है, 6 4 सा 24 अपॉन पी स्क्वायर इक्वल टू 8 अपॉन पी, ठीक है। सो 24p इक्वल टू 8p स्क्वायर, देयरफॉर 8p स्क्वायर माइनस 24p इक्वल टू 0। सो देयरफॉर p कॉमन लेंगे, इनफैक्ट 8p कॉमन लेंगे, और ये हो जाएगा p माइनस 3 इक्वल टू 0। सो देयरफॉर 8p इक्वल टू 0 और p माइनस 3 इक्वल टू 0। सो देयरफॉर p इज इक्वल टू 0 और p इक्वल टू 3, ठीक है। सो पी का वैल्यू 0 है, पी का वैल्यू 3, लेकिन क्या है ना, पी का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, बिकॉज अगर पी का वैल्यू 0 हो जाएगा तो ये क्वाड्रेटिक बनेगा ही नहीं, लीनियर इक्वेशन हो जाएगा, और इसका सिर्फ एक पॉसिबल रूट होगा, वन पॉसिबल रूट, दूसरा रूट हो नहीं सकता, समझ रहे। सो लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इस तरह करना है, एक्चुअली आंसर मेरे हिसाब से 3 है, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इस तरह से करना है, ठीक है। और भी कौन से स्टेप के बाद, ये स्टेप के बाद, समझ में आ रहा है। सो आई होप मेरा एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आया होगा। कोई भी डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं ट्राई करूंगा आपके डाउट सॉल्व करने का। इसी तरीके के और सम आपको मिलेंगे आके, मेरा चैनल सब्सक्राइब करके रखिए और नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाइए। फेसबुक पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग, टेक केयर, हैव अ गुड डे, बाय बाय।